हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास नाइन्थ के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर सेकंड के बारे में, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था, हम लोगों ने एनसीईआरटी से रिलेटेड और कुछ एग्जाम के पर्पज से एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। तो और वहां पर ही हम लोगों ने यह भी जिक्र किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सस्पेंशन, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स को पढ़ने से पहले, इसे अच्छे से समझने से पहले, कुछ टर्म के बारे में हमें जानना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि जानने के बाद सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड को पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में देखेंगे और उसे पढ़ लेने के बाद यह सब टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा समझना। तो हम लोग पहले वह टॉपिक, वह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में समझ लेंगे, तब जा करके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यह डिस्कशन जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो उसे समझने के बाद इसे समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं उसे कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पढ़ना होगा। तो इसे अभी स्किप कर देते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो देखिए, पहला जो पॉइंट होगा वो होगा सॉल्यूट। सॉल्यूट हम लोग जानेंगे कि सॉल्यूट क्या होता है। द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व्ड, विच इज डिजॉल्व्ड इन लिक्विड to make a solution is called solute। दूसरा जो पॉइंट होगा ना वह होगा हमारा solvent। दूसरा जो पॉइंट होगा वह होगा हमारा solvent। solvent देखिए solvent क्या होता है। The liquid in which the solute is dissolved to make a solution is called solvent। देखिए दो पॉइंट हम लोगों ने लिख दिया, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डिफाइन कर दिया। समझ में तो नहीं आ रहा होगा, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सॉल्यूट देखिए हम लोगों ने क्या लिखा, द सब्सटेंस विच इज डिजोल्व इन लिक्विड टू मेक अ सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्वेंट के केस में हम लोगों ने क्या लिखा, द लिक्विड इन विच द सॉल्यूट इज डिजोल्व्ड टू मेक अ सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यह दोनों जो टर्म है, दोनों पॉइंट्स, यह सॉल्यूशन से रिलेटेड है। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जब भी बनता है तो इन दोनों के मदद से ही बनेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मदद से। सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। हमेशा सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूशन आप ले लीजिए, उसमें ये दो चीजें डले रहेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो बात आता है कि ये सॉल्यूट सॉल्वेंट का बात कर रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक्चुअल में होता क्या है।
तो इसे एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग एक सॉल्यूशन लेंगे, क्या लेंगे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लेंगे। किस चीज का सॉल्यूशन लेंगे, तो शुगर एंड वाटर का, शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन लेंगे। मतलब एक शरबत लेंगे एक ग्लास, उसमें शुगर और वाटर डाला रहेगा, शुगर वाटर का हम लोग सॉल्यूशन लिए। तो इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन कहलाएगा, इसे ही हम लोगों को समझना है। तो इस सॉल्यूशन में शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन है, शुगर वाटर सॉल्यूशन, इसमें शुगर जो होगा यह कहलाएगा सॉल्यूट, और वाटर जो है यह कहलाएगा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में ऐसे समझते हैं, सॉल्यूशन में जो भी कम मात्रा में प्रेजेंट होता है वह सॉल्यूट कहलाएगा, और उस सॉल्यूशन में जो भी ज्यादा मात्रा में सब्सटेंस प्रेजेंट होगा वह सॉल्वेंट कहलाएगा। देखिए, शुगर वाटर सॉल्यूशन में शुगर जो होगा वह हमेशा ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, पानी की तुलना में यह कम मात्रा में होगा, तभी तो शरबत का रूप रहेगा। तो शुगर जो है कम मात्रा में रहेगा इसलिए इसे सॉल्यूट बोलेंगे, और वाटर ज्यादा मात्रा में रहता है इसे सॉल्वेंट बोलेंगे। तो सॉल्यूट के बारे में हम लोगों ने लिखा कि द सब्सटेंस विच इज डिजोल्व इन लिक्विड, लिक्विड में जो डिजोल्व होता है सॉल्यूशन बनाने के लिए उसे हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे। तो देखिए, वाटर एक लिक्विड है, इसमें हम लोगों ने शुगर को डिजोल्व किया तो यह सॉल्यूट कहलाएगा। लिक्विड में कोई जो सब्सटेंस हम लोग डिजोल्व करते हैं सॉल्यूशन तैयार करने के लिए उसे ही बोलते हैं सॉल्यूट, सॉल्यूट समझ गए। सॉल्वेंट जो है यह कहता है कि द लिक्विड इन विच द सॉल्यूट इज डिजोल्व, वैसा लिक्विड को सॉल्वेंट बोलेंगे जिसमें सॉल्यूट को मिलाया जाता है सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो देखिए, यह लिक्विड है वाटर, इसमें हम लोगों ने सॉल्यूट दैट मीन्स शुगर को मिलाया तो सॉल्यूशन तैयार हुआ, इसलिए वाटर जो है यह सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। एक दो और एग्जांपल देखेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक दो और एग्जांपल के मदद से हम लोग डीपली समझेंगे और इजीली समझेंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक्चुअल में होता क्या है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, देखिए एक दो और एग्जांपल लेते हैं। हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं एक साल्ट और वाटर का, नमक और पानी का एक सॉल्यूशन लेते हैं। यह सॉल्यूशन है नमक और पानी का। देखिए, इसमें अगर आपसे कोई पूछता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताइए, तो सॉल्ट जो है यह आपका सॉल्यूट कहलाएगा और वाटर जो है यह सॉल्वेंट कहलाएगा। सॉल्ट जो है वह सॉल्यूट कहलाएगा और वाटर जो है वह सॉल्वेंट कहलाएगा। हम लोगों ने डिफिनेशन में भी यह लिखा कि लिक्विड में, कोई भी लिक्विड में जो सब्सटेंस हम लोग मिलाते हैं सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए वह सॉल्यूट कहलाएगा। किसी भी लिक्विड में जो हम लोग सब्सटेंस को मिलाते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए उसे सॉल्यूट कहेंगे, और जिस लिक्विड में हम सॉल्यूट को मिलाते हैं सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए उस लिक्विड को सॉल्वेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूट कहलाएगा और वाटर जो है वह सॉल्वेंट कहलाएगा। एक दो और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए एक दो और एग्जांपल देखते हैं हम लोग।
अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और वाटर का सॉल्यूशन तैयार करते हैं हम लोग। किसका? अमोनियम क्लोराइड और वाटर का सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग। अमोनियम क्लोराइड और वाटर का सॉल्यूशन लेते हैं, और अगर इसमें आपसे पूछता है कोई कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट क्या होगा, सेम है। अमोनियम क्लोराइड जो है वह सॉल्यूट कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा, और वाटर जो है यह सॉल्वेंट कहलाएगा। सिंपल सा अगर कोई सॉल्यूशन आपको दे दिया जाए और उससे सिंपली पूछे आपसे कि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताइए, तो सबसे आसान सा ट्रिक है ना कि उस सॉल्यूशन में देखेंगे कि कौन सा चीज, कौन सा सब्सटेंस कम मात्रा में प्रेजेंट है। जो कम मात्रा में उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा वह सॉल्यूट कहलाएगा, और जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा वह सॉल्वेंट कहलाएगा। जैसे देखिए, अमोनियम क्लोराइड और वाटर का सॉल्यूशन आपको दे दिया गया, आपसे पूछे कि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताइए हमें, तो अमोनियम क्लोराइड जो है वह कम मात्रा में प्रेजेंट होगा इस सॉल्यूशन में, तो यह सॉल्यूट कहलाएगा, और वाटर जो है ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा इसे सॉल्वेंट कहेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड वाटर का, कॉपर सल्फेट एंड वाटर का सॉल्यूशन ले लिए हम लोग। कॉपर सल्फेट एंड वाटर का, इसमें आपसे पूछे कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, यह सॉल्यूट हो जाएगा और यह सॉल्वेंट हो जाएगा। हम लोगों ने डिफिनेशन में देखा कि जो सब्सटेंस लिक्विड में मिलाते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए उस सब्सटेंस को सॉल्यूट बोलेंगे, और जिस लिक्विड में सॉल्यूट को मिलाएंगे उसे सॉल्वेंट बोलेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, यूरिया, यूरिया एंड वाटर का, यूरिया एंड वाटर का सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं। तो देखिए, इसमें सॉल्यूट कौन हो जाएगा? यूरिया जो है वह सॉल्यूट हो जाएगा और वाटर जो है वह सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि इस एग्जाम्पल के मदद से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप लोग डीपली समझ चुके होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग इसे इरेज करेंगे, आगे का पॉइंट्स देखेंगे हम लोग। चलिए, और देखिए, सॉल्यूट को हम लोग डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं, और सॉल्वेंट को हम लोग डिस्पर्शन मीडियम, मीडियम के नाम से भी जानते हैं। तो इसे अगर पॉइंट वाइज लिखेंगे हम लोग तो आपका पॉइंट हो जाएगा कि सॉल्यूट इज ऑल्सो नोन एज डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। सॉल्वेंट इज ऑल्सो नोन एज डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम। सॉल्यूट को हम लोग डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि डिस्पर्स्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ, बिखरा हुआ पार्टिकल्स का मतलब कण, बिखरा हुआ कण। देखिए, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स जो है इसलिए कहते हैं हम लोग सॉल्यूट को क्योंकि सॉल्यूट जो है लिक्विड में जा करके बिखर जाता है, चारों तरफ बिखर जाता है लिक्विड में जाने के बाद, इसीलिए सॉल्यूट को हम लोग डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट को हम लोग डिस्पर्शन मीडियम इसलिए कहते हैं
क्योंकि सॉल्वेंट में ही कोई सॉलिड लिक्विड या गैसियस सॉल्यूट जो होता है वह आकर के बिखरता है, इसलिए बिखरने का जो मीडियम है जिसमें आकर के बिखरता है पूरा मिल जाता है उस मीडियम को हम लोग डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, इसीलिए सॉल्वेंट को हम लोग डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स देखेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट वह है द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। नेक्स्ट पॉइंट है और द सब्सटेंस प्रेजेंट इन हायर अमाउंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। दो पॉइंट उधर हम लोगों ने देखा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिफाइन किया, उसे समझा हम लोगों ने, उसी से रिलेटेड यह भी दो पॉइंट है। देखिए पहला पॉइंट है, कहता है द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। दूसरा कहता है द सब्सटेंस प्रेजेंट इन हायर अमाउंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। वहां पर भी हम लोगों ने सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब समझ रहे थे वहां पर भी हम लोगों ने इसका जिक्र किया था कि सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूशन हो दुनिया का, उस सॉल्यूशन में जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे बोलेंगे सॉल्यूट। और जो हायर अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसी सब सॉल्यूशन में, हायर अमाउंट में जो प्रेजेंट होगा उस सॉल्यूशन में उसे बोलेंगे सॉल्वेंट। उसे यह पहचानने का तरीका है, अगर आपको बोले कि चीनी और पानी का शरबत दे दिया जाता है और उसमें बोले कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, तो उसे पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि देखेंगे कि उसमें लेजर अमाउंट में कौन प्रेजेंट है और हायर अमाउंट में कौन प्रेजेंट है। जो लेजर अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे हम लोग सिंपली सॉल्यूट बोल देंगे और जो हायर अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे सॉल्वेंट बोल देंगे। तो यह एक्चुअली पहचानने का तरीका है, किसी सॉल्यूशन को आपको दे दिया जाए कि देखिए यह सॉल्यूशन है, इसमें बताइए कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो हम लोग पहले पता करेंगे कि इस सॉल्यूशन में कम मात्रा में कौन प्रेजेंट है और ज्यादा मात्रा में कौन प्रेजेंट है। जो कम मात्रा में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं उसे सॉल्यूट बोलेंगे और जो सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट। तो यह दो पॉइंट भी नेसेसरी है, जरूरी है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से, अब देखिए क्या है, इसी से रिलेटेड यह भी पॉइंट है। कहता है सॉल्यूट आर कॉमनली प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। But also present in liquid
एंड गैसियस स्टेट। यह पॉइंट कहता है कि सॉल्यूट, जितने भी सॉल्यूट होंगे वह कॉमनली जो है सॉलिड फॉर्म में होते हैं। हम लोगों ने जितना भी एग्जांपल लिया, जितना भी एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखा, जैसे चीनी और पानी का सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा, उसमें जो सॉल्यूट प्रेजेंट है वह सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। शुगर सॉलिड स्टेट में है। नमक और पानी का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया सॉल्यूशन का, वहां पर भी सॉल्यूट जो है दैट मीन सॉल्ट वह सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। यूरिया और वाटर का एग्जाम्पल लिया हम लोग, कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल लिया और वाटर का हम लोगों ने, और अमोनियम क्लोराइड और वाटर का एग्जाम्पल लिया हम लोग। हर जगह पे जो सॉल्यूट प्रेजेंट था वह सॉलिड स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में। तो सॉल्यूट जितने भी होंगे, जितने भी सॉल्यूट होंगे वह सॉलिड स्टेट में ज्यादातर पाए जाते हैं, लेकिन लिक्विड और गैस में भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉलिड में पाया जाएगा, सॉलिड में ज्यादातर पाए जाते हैं, लेकिन लिक्विड और गैसियस स्टेट में भी सॉलिड प्रेजेंट होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिक्विड, लिक्विड में हम लोग अगर लेते हैं तो अल्कोहल, अल्कोहल और वाटर का, अल्कोहल और वाटर का जब हम लोग सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो इसमें अल्कोहल कम डालेंगे तो यह हो जाएगा सॉल्यूट, और वाटर जो होगा वह हो जाएगा सॉल्वेंट। लेजर अमाउंट में इसे रखेंगे और यह हाइयर में होगा। तो अल्कोहल और वाटर का जब हम लोग सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, तो अल्कोहल जो है यह सॉल्यूट है, किस स्टेट में है यह लिक्विड में है, यहां पर लिक्विड स्टेट में है। तो हम लोग जितना भी एग्जांपल अभी तक लिए उसमें सॉल्यूट जो था, सॉल्यूट वह सॉलिड स्टेट में था। जैसे चीनी और पानी का सॉल्यूशन लिया, वहां पर चीनी सॉलिड स्टेट में था। नमक और पानी का जो हम लोगों ने सॉल्यूशन लिया उसमें नमक सॉलिड स्टेट में था। उसके बाद कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट और वाटर का जो हम लोगों ने सॉल्यूशन लिया वहां पर कॉपर सल्फेट सॉलिड स्टेट में था। अमोनियम क्लोराइड और वाटर, वहां पर अमोनियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में था। लेकिन यह जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा, अल्कोहल और वाटर मिलाएंगे और जो सॉल्यूशन बना उसमें सॉल्यूट जो है वह लिक्विड स्टेट में है। तो और वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है, यह तो लिक्विड स्टेट में होगा ही, तो लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं। एक गैस का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि गैसियस स्टेट में सॉल्यूट कैसे होगा, कहां पे पाया जाएगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर का, इसका जब हम लोग सॉल्यूशन तैयार करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे सॉल्यूशन, तो यहां पे CO2 जो है यह सॉल्यूट हो जाएगा और वाटर जो है यह सॉल्वेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि वाटर जो है यह हायर अमाउंट में प्रेजेंट है, हायर अमाउंट, और यह सॉल्यूट क्यों हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यह लेजर अमाउंट में प्रेजेंट है, लेजर अमाउंट। तो यहां पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसका जब सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह सॉल्यूट हो जाएगा और वाटर जो है वह सॉल्वेंट हो जाएगा। तो यहां पर जो सॉल्यूट है वह गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में। तो हम लोगों ने एग्जांपल देखा कि सॉल्यूट जो है वह जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन लिक्विड और गैसियस स्टेट में भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड और गैस में भी हो सकता है। लिक्विड सॉल्यूट का हम लोगों ने एग्जांपल देखा, गैसियस सॉल्यूट का हम लोगों ने एग्जांपल देखा। तो यह पॉइंट भी नेसेसरी है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वाटर इज कॉल्ड कॉमन सॉल्वेंट एंड ऑल्सो कॉल्ड एक्वस सॉल्वेंट, एक्वस सॉल्वेंट।
यह पॉइंट कहता है कि वाटर इज कॉल्ड कॉमन सॉल्वेंट एंड ऑल्सो कॉल्ड एक्वस सॉल्वेंट। वाटर को जो है कॉमन सॉल्वेंट क्यों कहेंगे भाई, क्यों कहेंगे वाटर को कॉमन सॉल्वेंट? तो अभी तक जितना एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया, जितने एग्जाम्पल में सोल्यूशन हम लोगों ने बनाया, चाहे वह चीनी और पानी का हो, नमक पानी का हो, या फिर अमोनियम क्लोराइड और पानी का हो, या फिर आपका CO2 और वाटर मिलाए थे हम लोग, उससे पहले अल्कोहल और वाटर मिलाए थे, या फिर अमोनियम क्लोराइड और वाटर का सॉल्यूशन बनाया, जहां पर भी हम लोगों ने सॉल्यूशन बनाया वहां सभी जगह पे सॉल्वेंट के रूप में क्या था, वाटर था, वाटर था। तो वाटर जो है ज्यादा जगह पे, बहुत ज्यादा जगह पे सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल होता है, इसीलिए वाटर को कॉमन सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है, और इसे एक्वस सॉल्वेंट के नाम से भी जानते हैं हम लोग, एक्वस सॉल्वेंट। कहीं पर भी लिख दिया जाए कि एक्वस सॉल्वेंट का नाम बताइए या कॉमन सॉल्वेंट का नाम बताइए, वहां पे वाटर आप लिख सकते हैं, वाटर ही होगा। तो वाटर को कॉमन सॉल्वेंट या फिर एक्वस सॉल्वेंट के नाम से भी जानते हैं। यह तो यह पॉइंट हुआ। एक और पॉइंट देखिए, एल्कोहल, एसीटोन, कार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, उसके बाद बेंजीन, ये सब जो हैं आर कॉल्ड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। देखिए, हम लोगों ने तो देखा कि वाटर जो है उसे कॉमन सॉल्वेंट या फिर एक्वस सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं हम लोग। कहीं पर भी लिखा रहे अगर कि एक्वस सॉल्वेंट, वहां पे समझ जाना है कि वाटर होगा। कहीं पे लिखा रहा है कि कॉमन सॉल्वेंट, वहां पे समझ जाना है कि वाटर होगा, उस सॉल्वेंट का नाम वाटर ही होगा। लेकिन वाटर के अलावे भी कुछ और सॉल्वेंट है, बहुत सारे सॉल्वेंट हैं, उनमें से कुछ हैं जैसे अल्कोहल, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, इन सभी को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या फिर इन्हीं को नॉन एक्वस सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं हम लोग। इनका ही नाम है, इन सभी को ही हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या फिर नॉन एक्वस सॉल्वेंट भी बोलेंगे। एक्चुअली ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नाम पड़ा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यह इसलिए पड़ा इन लोगों का नाम कि ये अल्कोहल हो, एसीटोन हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, कार्बन डाइसल्फाइड हो, या फिर बेंजीन हो, इन सभी में क्या प्रेजेंट है, कार्बन एटम प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। अल्कोहल में भी कार्बन प्रेजेंट है, एसीटोन में भी कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये तो कार्बन नाम ही है, कार्बन प्रेजेंट है इसमें, कार्बन डाइसल्फाइड इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, बेंजीन इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। तो जिस भी चीज में कार्बन अगर प्रेजेंट हो जाए, कार्बन आ जाए, इसका मतलब वह ऑर्गेनिक कहलाएगा, वह ऑर्गेनिक कहलाएगा। तो ये सब लिक्विड फॉर्म में है, ये जितने हैं नाम, अल्कोहल, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड या फिर बेंजीन, ये सब लिक्विड फॉर्म में है। तो इन सभी सॉल्वेंट को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भाई? क्योंकि इनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन एटम होता है, इसलिए इन सभी को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हैं। तो कहीं पर भी अल्कोहल हो, एसीटोन हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, कार्बन डाइसल्फाइड हो, बेंजीन हो, या फिर ऐसे कोई और लिक्विड हो जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो, उसे हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के नाम से जानेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना को है, जिस भी सब्सटेंस में, लिक्विड सब्सटेंस है, उसमें कार्बन अगर प्रेजेंट है तो उसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहेंगे हम लोग, ठीक है। और इसे ही, इन सभी को ही या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को ही हम लोग नॉन एक्वस सॉल्वेंट के भी नाम से जानते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, एक दो और पॉइंट है उसे भी क्लियर करते हैं हम लोग।
देखिए कुछ और पॉइंट्स, द सॉल्यूशन मेड बाय डिजोल्विंग डिजोल्विंग सॉल्यूट्स इन वाटर आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन The solutions made by dissolving solutes in organic liquid या organic solvent आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। देखिए यह पॉइंट कहता है कि द सॉल्यूशंस मेड बाय डिजॉल्विंग सॉल्यूट्स इन वाटर आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूट ले लीजिए आप, और जब आप उसे पानी के साथ मिक्स कर देंगे तो एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, और उस सॉल्यूशन को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए कि शुगर ले लिए, शुगर एक सॉल्यूट है, मान लीजिए शुगर ले लिए और वाटर ले लिए, शुगर और वाटर, शुगर एक क्या है, सॉल्यूट है, तो शुगर एक सॉल्यूट है और जब इसे पानी में मिलाएंगे तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। फिर सॉल्ट लेंगे शुगर के जगह पे, सॉल्ट और वाटर, तो एक सॉल्यूशन बनेगा इनका भी, और इस सॉल्यूशन को भी एक्वस सॉल्यूशन ही बोलेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे और वाटर लेंगे, फिर एक सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन को भी एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। कहने का मतलब कि कोई भी सॉल्यूट ले लीजिए और उसे पानी के साथ मिक्स कर दीजिए तो एक सॉल्यूशन बनेगा, और उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। तो जब कभी भी कोई सॉल्यूट को वाटर के साथ मिक्स करते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं तो पानी के साथ बना हुआ सॉल्यूशन, याद रखिएगा, पानी के साथ बना हुआ सॉल्यूशन हमेशा ही एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉल्यूट कोई भी हो, सॉल्ट हो, शुगर हो, पोटेशियम परमैंगनेट हो, फिर से कॉपर सल्फेट हो, कोई भी सॉल्यूट ले लीजिए और पानी के साथ मिलाकर के जब कभी भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो पानी के साथ बना हुआ सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, यह तो यह पॉइंट क्लियर हो गया इस एग्जांपल की मदद से। अब देखते हैं यह पॉइंट, यह कहता है कि द सॉल्यूशंस मेड बाय डिजॉल्विंग सॉल्यूट्स इन ऑर्गेनिक लिक्विड आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए इसमें क्या करेंगे कि इसमें भी एक सॉल्यूट ले लेंगे और इसमें क्या ले लेंगे, ऑर्गेनिक लिक्विड, ऑर्गेनिक लिक्विड, एक सॉल्यूट इसमें भी लेंगे और ऑर्गेनिक लिक्विड लेंगे। ऑर्गेनिक लिक्विड कहने का मतलब आपका अल्कोहल हो जाएगा ऑर्गेनिक लिक्विड, एसीटोन हो जाएगा ऑर्गेनिक लिक्विड, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा ऑर्गेनिक लिक्विड, कार्बन डाइसल्फाइड ऑर्गेनिक लिक्विड हो जाएगा, बेंजीन ऑर्गेनिक लिक्विड हो जाएगा, और बहुत से लिक्विड जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो, कार्बन एटम प्रेजेंट होगा जिस लिक्विड में, वह ऑर्गेनिक लिक्विड कहलाएगा। तो सॉल्यूट ले लेंगे, कोई सॉल्यूट जो कि ऑर्गेनिक लिक्विड के साथ सॉल्युबल हो, मिक्स हो सके, तो कोई सॉल्यूट ले लेंगे और उसे ऑर्गेनिक लिक्विड में जब हम लोग मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद हमारे पास एक सॉल्यूशन प्राप्त होगा,
हमारे पास एक सॉल्यूशन प्राप्त होगा और इसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, एक नॉन इक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? नॉन इक्वस सॉल्यूशन। वंस अगेन देखते हैं, हम लोग कोई सॉल्यूट ले लेंगे हम लोग और ऑर्गेनिक लिक्विड के साथ उसे मिक्स करेंगे। ऑर्गेनिक लिक्विड जानते हैं जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट हो, जैसे हो जाएगा आपका अल्कोहल, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड या फिर बेंजीन या फिर अदर कोई लिक्विड जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट हो, वह ऑर्गेनिक लिक्विड कहलाएगा। तो कोई सॉल्यूट लेंगे और उसे ऑर्गेनिक लिक्विड के साथ मिक्स करेंगे तो एक सॉल्यूशन प्राप्त होगा हमें। तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें पानी नहीं प्रेजेंट है। तो जो सॉल्यूशन इस पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि जो सॉल्यूशन पानी के साथ बनाया जाए वह सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा, और जो सॉल्यूशन ऑर्गेनिक लिक्विड के साथ बनाया जाए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ बनाया जाए सॉल्यूट को मिक्स करके, तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें पानी तो प्रेजेंट है नहीं, इसलिए नॉन एक्वस कहलाएगा। तो यह दो पॉइंट था, क्लियर हो गया। अब इसमें और कोई पॉइंट्स नहीं है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इससे आगे के बारे में चर्चा करेंगे, और आगे का टॉपिक होगा हमारा सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, इतना पॉइंट्स को क्लियर रखिएगा, तभी जा करके सॉल्यूशन सस्पेंशन और कोलाइड्स को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इतना ही नहीं, इन सब पॉइंट को अगर आप क्लियर रखिएगा तो क्लास ट्वेल्थ में भी सॉल्यूशन पढ़ना है वहां पे भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल विजिट करके भी देख सकते हैं, चैनल पर जाने के बाद देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के भी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।